हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल हेल्थ नुस्खे में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बवासीर का एक अचूक इलाज, जो कि ये एक बहुत ही भयानक बीमारी होती है और जिसको भी ये बीमारी होती है उस मरीज को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसका ऐसा दर्द होता है ना तो हम किसी को बता ही पाते हैं ना ही किसी को दिखा पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बीमारी को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे जाके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है और नौबत यहाँ तक कि पहुँच जाती है कि ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, बिना ऑपरेशन के भी इसका इलाज हो सकता है, तो आज मैं इसी बीमारी का इलाज करने के लिए आई हूँ। तो आज ऐसे ही एक अचूक इलाज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए ये नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि कई बार का आजमाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस नुस्खे को बनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये किशमिश है जो कि हमारे खान पान में काफ़ी यूज़ होती है। दोस्तों, किशमिश हमारी बॉडी और हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और इसको सूखे हुए अंगूरों से बनाया जाता है। किशमिश में विटामिन ए की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो हम इस किशमिश लेंगे और फिर एक गिलास पानी लेंगे और हम इस किशमिश को पानी के गिलास के पानी में डाल देंगे और डालने के बाद में 6 घंटे के लिए भिगोकर रखेंगे और 6 घंटे बीत जाने के बाद किशमिश पानी में पड़ी हुई काफ़ी मोटी मोटी फूली हुई हो जाएगी और हम इसको मिक्सी की मदद से इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका काफ़ी अच्छे से पतला पतला जूस बना लेंगे। और जूस अगर किसी के घर में मिक्सी नहीं है तो दोस्तों परेशान ना हो, आप सिल या पत्थर से भी इसको बना सकते हैं पीस के और पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो आपको इसका सेवन कैसे करना है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आपको इसका सेवन करना है रात को सोने से पहले, आपको रात को सोने से पहले इसका यूज़ करना है। और दोस्तों, आप इसका एक बार यूज़ करेंगे तो आपको इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज आप इस नुस्खे को एक हफ्ते तक लगातार यूज़ करिए तो आपके बवासीर की परेशानी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो